फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए, सब अच्छे होंगे, हम लोग तो ठीक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। कल हम लोग आए थे, मतलब धनबाद, हम लोग धनबाद आ चुके हैं। तो आकर के रात में 11 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो आकर के रूम झाड़ू उड़ू किए, फिर रोटी तो नहीं बनाए थे, घर से लेकर के आए थे 6 रोटी। तो उसी वही रोटी हम दोनों खा लिए आनंद के पापा के साथ। आनंद तो सो गया था, और सब्जी तो नहीं बनाए थे, बट रात में अचार, आम का अचार हम बनाए थे। तो आम का अचार से हम दोनों खा लिया और सो गए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी लमसम बज रहा है 7:30। 7:30 हम अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमको अंदर से बोलने के लिए एनर्जी भी नहीं मिल रहा है। एक तो रात में सफ़र करके आए थे और पूरा थक गए, तो पूरा थकावट लग रहा है अभी तक। हाथ पैर एकदम पूरा थकावट महसूस हो रहा है। रात में आकर के हम नहाए तो फिर भी अभी तक हमको बहुत थकावट नहीं लग रहा है। और सब्जी नहीं था कल अचार से, तो मैं हमको पेट ही नहीं भरता है, तो इसीलिए अभी भूख भी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं ये है, मम्मी भेज दी है, ये है बूंदिया और दूध खाजा है। तो उसी को हम खाने के लिए सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है हमको, बोलने के लिए अंदर से एनर्जी भी नहीं मिल रहा है। तो जितना दिन हम लोग 15-20 दिन हम लोग बिहार में रहे, शादी था, तो अभी हम लोग आ गए हैं धनबाद। तो अभी हम लोग यहीं पर रहेंगे, देख सकते हैं यहीं पर रहेंगे। उसके बाद कुछ दिन रह करके भी हम लोग चल जाएंगे मेरा नहरा, मतलब आनंद के नानी घर। तो जितना दिन हम लोग रहेंगे उतना दिन यहाँ का आप लोग को ब्लॉगिंग मिलेगा। और अभी खाना वाना भी नहीं बना है। उठे थे बहुत लेट से, उठे थे 6:30 बजे उठे थे, क्योंकि बहुत थकावट महसूस हो रहा था, तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो उठे, उसके बाद हम चूल्हा जोड़ दिए हैं और खाना वाना बनाएंगे। तो अभी भूख लग रहा है, इसीलिए हम सोचे कि हम खा लेते हैं, खाजा खा लेते हैं। देख सकते हैं ये है हमारा खाजा, ये खाजा है, इसको हम खा लेते हैं। यह है सिलाऊ का खाजा, बहुत ही महीन, मतलब सॉफ्ट और बहुत टेस्टी भी लगता है ये खाजा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे चैनल में पहली बार हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए हम अभी खाजा खा लेते हैं। और अंदर से बोलने के लिए एनर्जी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूख लग रहा बहुत ज़्यादा। लमसम हम लोग 15-20 दिन हम लोग रहे वहाँ बिहार में, 15-20 दिन अपना ही जगह, पूरा घर में एकदम भूत बन गया, घर में कोई नहीं रहता है। बट आते आते पूरा शरीर में दर्द हो गया है, और लेट से भी उठे थे और लेट से भी कर रहे हैं, लेट से भी खाना बनाएंगे। Thank you.
आदन चढ़ा दिए हैं। और देखिए ये है चावल हमारा, ये चावल नहीं था घर से हम लोग लेकर के आए थे, इसमें इतना कंकड़ पत्थर है कि चुनर चावल नहीं, ऐसे चावल मम्मी हमको दे दी। तो अभी वही हम चुन रहे थे, चुने थे, अभी हम चावल चुनेंगे। अच्छा से तो नहीं चुन रहे हैं, बस जैसे कैसा हम चुन रहे, क्योंकि इधर भी मेरा आदन हो गया है, तो इसीलिए इसको जल्दी से इसको धो करके हमको चावल मिला है। देखिए हम यहाँ पर पानी उन्हें भर दिए ये बाल्टी में, और ये जो मेरा बर्तन उर्तन सारा हम इस सबको धो दिए हैं, और ये हमारा मटका इसमें पानी हम डाल दिए क्योंकि ठंडा है। और देखिए इधर मेरा हौदा, देखिए हौदा में भी हम पानी भर दिए हैं, और इधर में मेरा बाकेट है, सारा बाकेट में हम पानी भर दिए हैं क्योंकि अभी रूम साफ सफाई करना है, बहुत सारा गंदा भी हो गया, बहुत गंदा हो गया, इसीलिए साफ़ सफाई करना है, पानी का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम सारा बाल्टी बाकेट में हम सब में हम भर दिए हैं। और देखिए मेरा रूम का पूरा झोल झाल पूरा झोल हो गया है, और इधर तो थोड़ा इधर का बल्ब हम लोग लेके गए थे घर, तो हम लोग का घर में ही छूट गया इसीलिए अंधेरा है। और ये है इधर का रूम, देख सकते हैं यहाँ पर भी झोल जाल बहुत सारा झोल हो गया है, सारा साफ सफाई करना बहुत कर। हेलो फ्रेंड, देखिए अभी हम लोग का तो हेलो फ्रेंड देखिए ये आनंद के पापा गए थे दुकान, तो लेकर के आए हैं ये है ये सब्जी, और देखिए ये है पूरी, क्योंकि हम लोग का नाश्ता खाना बनाने में लेट है, इसीलिए अभी नाश्ता के लिए ये पूरी और सब्जी का नाश्ता कर रहे हैं। ये तो खा लिए पहली है, अभी मेरा बाकी है खाने के लिए। देखिए बहुत काफ़ी लेट हो रहा था, हमने सोचे कि चलो हम गए थे मछली लाने के लिए, तो हमने सोचे कि चलो कचौड़ी ले लेते हैं कुछ कुछ खाने के लिए, भूखा हुआ कितना देर तक रहेंगे, 9 बज गया है, भूख बर्दाश्त नहीं होता हम लोग को, क्योंकि गांव गए थे तो गांव का आदत था कि सवेरे खाना खा लेना, तो यहाँ 9 बज रहा है तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो ले आते हैं। तभी देखिए ये पॉलिन खा रही है कचौड़ी और सब्जी मार्केट का बाजार से लाए हैं, होटल से लेकर के आए हैं सुबह सुबह, और बहुत जोर से सुबह से जब से उठे तब से बहुत जोर से भूख लग रहा था, और रात में भी हम लोग खाना नहीं बनाए थे, घर से लेके आए थे रोटी, तो वही खा करके हम लोग सो गए, अचार रोटी ये तो अचार में खाया, हमको तो अचार में ढूंढ के नहीं रहा था, तो हम तो अचार रोटी खाते हैं बिहारी बाबू ना। अच्छा अभी पूरी का नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। ये मेरा आनंद बादाम खा रहा है, कच्चा बादाम कच खा रहा बेटा, कच्चा बादाम ये दोनों तो दोनों खा लिया, दोनों खा लिए, आनंद भी खा लिया, आनंद कच्चा बादाम खा लिया।
और गाना भी गा रहा है काचा बादाम ले लो। मेरा आनंद का बातें कुछ अलग है, बातें कुछ निराला है काचा बादाम का। तो देखिए दोस्त, बहुत लेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग मार्केट से पूरी कचौड़ी मंगा के हम लोग खा चुके हैं। और अभी देखिए, अभी हम मेरे के यहाँ मछली लाए तो अभी नहीं बना है, क्योंकि इसका मम्मी पॉलिन है जो लहसुन प्याज छील रही है, कचौड़ी खा, हाँ कचौड़ी खा रही है, लहसुन प्याज छील चुकी है, मसाला वसाला पीछे की, उसके बाद मछली फ्राई करेगी। आप लोग को अलग से नेक्स्ट वाला वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। मछली फ्राई किए होगा और मछली भात खाएंगे, तो हम आप लोग को दिखाएंगे, जरूर नया स्टाइल में, बिहारी स्टाइल में बनाएंगे, एकदम पूरा सरसों वाला मसालेदार मछली। क्या